तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये तो हमारा गला बन गया जो अभी हमने आपके सामने काटा था। ये इसका और लॉक देखें, ठीक है। और फिर अभी हम इसको शोल्डर डालेंगे, तो शोल्डर का तरीका बहुत सी औरतों को नहीं आता, तो बरए मेहरबानी आप और से देखें कि ये तो मैंने इधर इसको कपड़ा डाल दिया। तिरछा कपड़ा काट के अपने इसके बैक के गले को लगा देना है, ठीक है। ये डबल कपड़ा है जो मैंने सिलाई किया है, अब ये खुला हुआ है, देखें। अब इसको शोल्डर के साथ हम कैसे अटैच करते हैं, ये इधर से कंप्लीट इसका बैक, ठीक है। और फिर इसकी इधर से जो है पहले इसके इधर से ये इसको मिला लेंगे, फिर इसको इसके ऊपर से इस तरह का बराबर करके इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, फिर इसके ऊपर ही वैसे फंदे मिला के इसकी पूरी सिलाई करेंगे। ये जो बैक वाला पीस है, साइड है गले का, ये सामने वाले फ्रंट के गले के ऊपर इस तरह ऊपर रख देंगे और फिर एक सिलाई कर देंगे। तो ये देखें, ये अभी हमने जो है ये इसके ऊपर इस तरह का सिलाई कर लिया है, ठीक है। अब इसको इसके ये जो वाला बैक वाला है ये इसके ऊपर इस तरह तो ये हो जाएगा मजबूत। और फिर इसके ऊपर से इधर किनारे किनारे पे एक सिलाई बैक के साइड पे ऐसे पूरे लगा देंगे, ये वाला भी इधर से सही कर लेंगे। ये देखें, ये कांधा है जो हमारा बंद हो गया है, ये देखें फुल लुक इसकी। ये हमने इसका बैक कर दिया है, आप इसके शोल्डर देखें ओपन हो गए हैं, बंद हो गए स्लाइड से करके। तो कच्चे नहीं रह गए, इसकी वजह से फिर गला मजबूत रहता है। आगे देखें, इसकी हमें बाजू डालेंगे और फिर इसकी पाइपिंग करेंगे, तो पाइपिंग का तरीका भी समझा देती हूँ जी। तो ये जो है अभी हम चाक पे आए हैं, जिसकी चाक बहुत कम रह गई थी, जनाब से थोड़ा कम था, तो हमने इसको इतने ही फासले पे इसके चाक बनाने हैं, ऊपर पाइपिंग बेस रख देंगे। तो ये जो थोड़ा थोड़ा है ये इसके अंदर आ जाएगा पाइपिंग बेस के, और इसकी मकदार जो है वो उतनी रह जाएगी जितनी कमीज थी। और मिलाएंगे तो फिर इसको इधर से काटेंगे, ठीक
हम जो मैंने लगता है।